नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली पीड़ित महिला व उसके भाई ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि दबंगों द्वारा उसके मकान पर कब्जा किया जा रहा है। पीड़िता का आरोप है कि अवैध कब्जे से मना करने पर दबंगों द्वारा उसको मारा पीटा गया। पीड़िता दूसरा आरोप है कि वह न्याय के लिए सिधारी थाने पर गई, जहां थाना अध्यक्ष ने कहा कि कार्रवाई करेंगे, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूर होकर हमको पुलिस अधीक्षक के पास आकर लिखित दरखास्त के जरिए अपने जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाना पड़ा है, जहां एसपी साहब ने न्याय कर दिया है। संवाददाता अमित खरवार, आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय क्या मामला है, क्या है कि आप यहाँ आई है? मामला है डब्बू पाड़े और बीजेस पाड़े और लोग हमारे घर में से निकाला था, हमारे घर आओ तो हमारे रात के ब्लाउज फाड़ देना, लातन मुतन मारना, मार के पीट के भजा देना। तो आप थाने पे गई थी? थाने में कोई सुनवाई नहीं है। क्या आज मुलाकात हुई, क्या कहे? कुछ नहीं कहे। एसपी साहब से, एसपी ऑफिस आप आई थी, एसपी साहब क्या गई थी, एसपी साहब कुछ कहे हैं? गए लाना, एसपी साहब कुछ बोला नहीं, देखो कहा के थाने में चलो, थाने गए तो एसपी साहब कुछ नहीं बोल, बात करें ना कुछ बोले, हम लोग घर चले आए। फिर आज यहाँ गई तो क्या हुआ? यहाँ पे आ गए तो बातचीत कर रहे थे, कल गोकिल दान कहीं और के बैठी गए बात नहीं भाओ, और तमाम कहा तुम जा लोग बाहर निकल जाओ। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। आज आप यहाँ आए हैं, क्या है, कैसा प्रकरण है? सर आए हैं, हमारी ये सिस्टर है, गए थे हम लोग एसपी साहब के यहाँ, तो एसपी साहब देखें कागज वगैरह देखें, बोलें कि ठीक है जाइए आप घर जाइए, आपका काम हो जाएगा। क्या है था प्रकरण, क्या था प्रकरण? प्रकरण ये है सर कि डब्बू पाड़े हैं और हमारे दीदी की ज़मीन है जो कि वो कब्जा कर रहे हैं ज़बरदस्ती, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं तो हम लोगों को मार पीट के भगा रहे हैं। कल भी गए थे हम लोग तो हम लोगों को मारे, दीदी को भी मारे, गाली वाली भी दिए उल्टा सीधा, और हम लोग फ़ोन भी किए थे एक बार, थाना पे भी गए थे तो थाना पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर हम लोग यहाँ हैं, सर से मिले तो सर बोले कि ठीक है आप लोग जाइए, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, क्यों कब्जा क्यों करना चाह रहे, क्या कारण है इसके पीछे? दबंगई कर रहे हैं सर, यहाँ हमारी दीदी जैसे हमारी दीदी अकेली रहती थी, तो अब वहाँ पे रहने नहीं दे रहे हैं अकेले हमारे, तो हमारी दीदी हमारे यहाँ आकर रहती हैं ज़्यादातर, वहाँ कभी काल जाती हैं तो वो लोग मारते पीटते भगाते हैं, बोलते हैं तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम लोग जाओ यहाँ से। अपना कष्ट कर रहा है, एप्लीकेशन में कौर हो ना। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।